कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम 9th मैथ्स की मेंसुरेशन यूनिट को पढ़ रहे थे, जिसे हम हिंदी में क्षेत्रमिति भी कहते हैं। तो हमने इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, लगभग इसके हम 80 से 90% कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं, उन्हें हम आज देखेंगे। तो देखिए, हमने पिछली क्लास में कौन कौन से कॉन्सेप्ट देखे थे। पिछली क्लास में हमने दो कॉन्सेप्ट देखे थे, एक तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फिर हमने देखा भी था कि आखिर ये होते क्या हैं। समझा था हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम सभी चीजों का क्षेत्रफल लेते हैं, लेकिन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम केवल गुड कर्व्ड इवनिंग सरफेस। सर। अच्छा, कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा अपने आप को जब तक कि कोई डाउट नहीं हो। गुड इवनिंग एवरीवन। तो देखिए, कर्व सरफेस एरिया हमने देखा था कि हम कर्व सरफेस एरिया में आधार या फिर बेस का क्षेत्रफल नहीं लेते हैं। फिर हमने इनके फॉर्मूले देखे थे। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आया था, जिसे हम टी एस कहते हैं, 2 पाई आर एच प्लस आर। जबकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आया था, सी एस ए जो आया था वह आया था हमारा 2 पाई आर। तो यह हमने पिछली क्लास में अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया था। तो चलिए, आज हम रिकॉल टेस्ट नहीं कर रहे हैं, आज हम डायरेक्ट अपने कंसेप्ट पे चलते हैं। तो देखिए, हमारा आज का जो कंसेप्ट है वह है आयतन, और फिर उसमें हम देखेंगे कि यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम क्या होती हैं या फिर आयतन की इकाइयां क्या होती हैं और उन्हें कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके बारे में थोड़ा बहुत हम पिछली क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं, तो चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, आयतन या फिर वॉल्यूम क्या होता है। मान लीजिए कोई भी एक सॉलिड वस्तु है, कोई भी एक सॉलिड डब्बा है, तो उस डिब्बे को बनाने में टोटल कितना मटेरियल यूज हुआ है, उस डिब्बे को पूरा बनाने में जितना भी मटेरियल यूज हुआ है वह उसका आयतन कहलाता है या फिर वह उसका वॉल्यूम कहलाता है। उदाहरण के लिए मानिए मेरे पास यह डब्बा है, यह लोहे का है और अंदर से पूरा भरा हुआ है लोहे से। तो इस डिब्बे को बनाने के लिए कितना लोहा यूज हुआ है वह मेरा इसका आयतन कहलाएगा या फिर वह मेरा इस डिब्बे का वॉल्यूम कहलाएगा, जितना भी मटेरियल इसमें भरा गया है। यह पूरा फुल भरा गया है ऊपर तक, तो जितना मैक्सिमम या अधिकतम भरा गया है वह इसका वॉल्यूम या फिर आयतन कहलाएगा। तो यह होता है हमारा आयतन, यह हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। फिर हमने आयतन की यूनिट्स भी देखी थी। आयतन को हमने इन एग्जाम्पल से भी समझा था। मान लीजिए यह कोई एक बॉल है, यह कोई एक बॉक्स है या फिर यह आइस क्यूब्स है। तो इन तीनों ही एग्जाम्पल से मान लीजिए इस बॉल को बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज हुआ है। यह हमारी एक सॉलिड बॉल है, ठोस बॉल है। जनरली जो बॉल होती है वह अंदर से होलो होती है या फिर अंदर से खोखली होती है, लेकिन यह हमारी ठोस बॉल है। तो इस बॉल को बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज हुआ है वह इसका आयतन या फिर वॉल्यूम कहलाएगा। सेम इस बॉक्स के साथ भी है, इस ठोस बॉक्स को बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज हुआ है, अंदर तक कितना भरा गया है वह हमारा आयतन या फिर वॉल्यूम कहलाएगा। तो देखिए, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। फिर बात आती है दूसरी चीज, जो कि होती है आयतन के जैसी ही होती है, उसे हम कैपेसिटी बोलते हैं या फिर घारिता बोलते हैं। तो देखिए, घारिता या फिर कैपेसिटी आखिर होती क्या है। अभी हम बात कर रहे थे किसी भरी हुई चीज के लिए या फिर सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए। अब मान लीजिए यह डिब्बा खोखला है या फिर यह डिब्बा होलो है, तो इसमें मैं मैक्सिमम कितना द्रव भर सकता हूं। द्रव मतलब कोई भी लिक्विड चीज, हवा हो गया, पानी हो गई, दूध हो गया, ये सभी चीजें। तो मैं इसमें कितना मैक्सिमम पानी भर सकता हूं वह इसकी कैपेसिटी कहलाएगी। तो देखिए, आप अगर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आयतन में हमने बोला था कि जितना इसमें मटेरियल भरा हुआ है जो पहले से भरा हुआ था, और अब हम बोल रहे हैं कि जितना इसमें पानी मैक्सिमम भरा जा सकता है। तो बात तो दोनों की एक ही हो गई ना, बस आयतन में पहले से भरा हुआ है वो चीज और घारिता या फिर कैपेसिटी में हम भर रहे हैं ऊपर से। तो घारिता या कैपेसिटी यही होगी कि जितना मैक्सिमम पानी या फिर कोई भी लिक्विड भरा जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए यह एक जग है, उदाहरण के लिए यह एक जग है जो कि हमें चित्र में दिखाया गया है, और यह पानी ऊपर तक भरा हुआ है, यह ऊपर तक पानी भरा हुआ है।
तो देखिए, अगर यह पानी ऊपर तक भरा हुआ है तो यह इसमें अधिकतम भरा हुआ है, ऊपर से ज्यादा पानी इस लेयर के बाद, यह जो ऊपरी सतह है इसके बाद तो पानी इसमें और भरा नहीं जा सकता, तो यह इस जग की कैपेसिटी या फिर धारिता कहलाएगी। ऐसे ही सेम ये एक जार दिया हुआ है हमें, तो अगर इसमें भी मैं ऊपर तक पानी भर दूं, अभी ऊपर तक नहीं भरा गया है, अभी यह यहां तक भरा गया है, तो यह इसकी कैपेसिटी नहीं है। जितना उसमें ऊपर तक भरा जा सकता है, अधिकतम भरा जा सकता है, वह इसकी कैपेसिटी या फिर धारिता कहलाएगी। तो देखिए, कैपेसिटी को हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि इस बच्चे की पढ़ने की कैपेसिटी 5 घंटे है, इस बच्चे की पढ़ने की कैपेसिटी 2 घंटे है, तो उससे हमारा क्या मतलब होता है? उससे हमारा मतलब यही होता है कि यह बच्चा अधिकतम 5 घंटे पढ़ सकता है, या फिर यह बच्चा अधिकतम 2 घंटे पढ़ सकता है। तो हम कैपेसिटी को अधिकतम या फिर मैक्सिमम में ही देखते हैं। तो अगर हम किसी भी होलो या फिर खोखली चीज में कोई भी लिक्विड, हवा, पानी को अधिकतम जितना भर सकें, वह हमारी उसकी कैपेसिटी या फिर धारिता कहलाएगी। तो अब हम देखते हैं कि इनकी यूनिट्स क्या होती हैं, आयतन की यूनिट्स क्या होती हैं और कैपेसिटी की यूनिट्स क्या होती हैं। तो देखिए, आयतन की जो यूनिट्स होती हैं वह हमेशा घन मात्रक होती हैं या फिर क्यूबिक यूनिट्स होती हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे, एमएम क्यूब हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हो गया, या फिर मीटर क्यूब हो गया, तो हमेशा जो भी यूनिट्स आती हैं क्यूब में है, जो भी है, वह हमारी हमेशा आयतन या फिर वॉल्यूम की यूनिट्स कहलाएंगी। जैसे कि आपको ध्यान हो तो देखिए, हमने जब लेंथ की यूनिट्स पढ़ी थी या फिर लंबाई की इकाइयां पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि इकाई मात्रक की होती है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या फिर किलोमीटर, ये हमारी होती थी लेंथ की या फिर लंबाई की। फिर हमने देखी एरियाज की जो यूनिट्स आती हैं, उन्हें हम कैसे पहचानते थे? जिनमें स्क्वायर लिखा हो या फिर जो हमारी वर्ग यूनिट्स हो, मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, तो इस तरह की यूनिट्स जो कि वर्ग यूनिट्स है, उन्हें हम कहते थे एरिया या फिर क्षेत्रफल की इकाइयां। अब हमारी बात आती है आयतन या फिर वॉल्यूम की, तो हमारी यूनिट्स भी एक पावर और बढ़ जाएगी, मतलब ये भी क्या हो जाएंगी, मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या फिर किलोमीटर क्यूब। तो देखिए, यह हमारी यूनिट्स हो जाएंगी आयतन की। तो जहां भी आपको घन यूनिट्स दिखे, आप समझ जाइए वह हमारी वॉल्यूम की यूनिट्स हैं। यह तो हो गई हमारी आयतन की इकाइयां। अब हम देखेंगे आगे कि इन्हें आपस में कैसे बदला जाता है, एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मतलब मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में, तो इन्हें आपस में एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। फिर देखिए, यह यूनिट्स हो गई हमारी वॉल्यूम या फिर आयतन की। फिर हम देखते हैं धारिता या फिर कैपेसिटी की क्या इकाइयां होती हैं। तो आप काफी बार, जैसे आप दूध लेने जाते होंगे, तो आप देखते होंगे कि दूध आपको लीटर के हिसाब से मिलता है, लीटर के हिसाब से मिलता है कोई भी लिक्विड चीज। तो धारिता जो कैपेसिटी की जो मेन यूनिट होती है, वह आपकी लीटर होती है, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, अब जैसे कि हमने लेंथ में पढ़ा, जो लेंथ की मेन यूनिट क्या होती थी, मीटर, जिसे हम एम से रिप्रेजेंट करते थे। उसके आगे फिर हम छोटी यूनिट बनानी हो तो हम मिली लगा देते थे, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, या फिर अगर हमें कोई बड़ी यूनिट बनानी होती थी तो हम किलो लगा देते थे कि किलोमीटर। सेम इसी तरीके से हम लीटर में भी करेंगे, अगर हमें छोटी यूनिट्स बनानी हुई तो हम इसके आगे मिली लगा देंगे, मिली लीटर। अच्छा, इसमें सेंटीलीटर नहीं लगाते हैं, आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनरली नहीं होती है, जनरली दो ही यूनिट्स काम आती हैं हमारे, मिलीलीटर और लीटर, तो ये दोनों यूनिट्स ही जनरली हमारे काम आती हैं। तो यह हमारी, अगर आपको एमएल में दी जाए कोई भी चीज, एमएल, लीटर, या बाई चांस सेंटीलीटर, किलोलीटर, तो वह हमारी कैपेसिटी की यूनिट्स होंगी या फिर धारिता की यूनिट्स होंगी। तो देखिए, अब हम आगे सीखेंगे कि इन्हें भी आपस में कैसे बदला जाता है, मिलीलीटर को लीटर में, लीटर को किलोलीटर में, या फिर लीटर को मिलीलीटर में, तो इन्हें कैसे बदला जाता है। लेकिन इन्हें याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि आपने देखी लेंथ की यूनिट्स तो याद की ही होंगी, लेंथ की यूनिट्स में आपने पढ़ा होगा कि 1 मीटर जो होता है, 1 मीटर होता है, वह आपका होता है 1000 मिलीमीटर के बराबर, यह आपने लेंथ की यूनिट्स में पढ़ा होगा। सेम इसी तरीके से 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होगा। तो
आप लेंथ की यूनिट से ही इनको याद रख सकते हो, बस मीटर की जगह यहाँ पे लीटर हो गया है। तो कैपेसिटी की यूनिट्स को तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो बहुत ही आसानी से। अब हम देखते हैं कि इन्हें आपस में कैसे बदलेंगे, आयतन की यूनिट्स को, और फिर इन्हें आपस में एक दूसरे में कैसे बदलेंगे, मतलब कि मिलीलीटर को मैं सेंटीमीटर क्यूब में कैसे बदलूंगा, लीटर को मिलीमीटर क्यूब में कैसे बदलूंगा, तो इन्हें आपस में एक दूसरे में कैसे बदलेंगे फिर हम वह देखेंगे। क्लियर है अभी तक सभी बच्चों को समझ में आया? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे जो भी बच्चे पिछली क्लास में मौजूद थे। जो बच्चे मौजूद नहीं थे शायद उनको समझ में आने में कोई थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए यह समझ में आया। तो अब हम देखते हैं कि आखिर इन्हें कन्वर्ट कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले वॉल्यूम की यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो वॉल्यूम की यूनिट्स मान लीजिए मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब को मुझे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो मुझे 10 लाख से गुणा करना होगा, 10 लाख से गुणा करना होगा। फिर अगर सेंटीमीटर क्यूब को मुझे मीटर क्यूब में बदलना है तो सेम मुझे 10 लाख से भाग करना होगा। इसी तरीके से अगर सेंटीमीटर क्यूब को मुझे मिलीमीटर क्यूब में बदलना है तो मुझे 1000 से गुणा करना होगा, और मिलीमीटर क्यूब को अगर मुझे सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है तो 1000 से भाग करना होगा। यस, किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है, आपका कोई डाउट है क्या? ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो देखिए यह हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है पहली प्रॉपर्टी, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीमीटर क्यूब, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए मैं जल्दी से बता देता हूं कि आखिर ये आती भी कैसे है, अगर कोई बच्चा याद भी नहीं रहे किसी बच्चे को तो वो जल्दी से डिराइव कर सकता है या फिर निकाल सकता है। तो सेम एरिया की तरह ही ये निकाली जाती है। मान लीजिए मुझे 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में मुझे निकालने हैं कितने मिलीमीटर क्यूब होते हैं। अच्छा किसी बच्चे ने अपने आप को अनम्यूट किया है? सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। तो देखिए मुझे निकालना है 1 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए इस 1 सेंटीमीटर क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर। तो देखिए 1 गुणा 1 गुणा 1 तो आ गया 1 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, आपका हो गया है सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए फिर से मैं क्या कर सकता हूं, इस 1 सेंटीमीटर को मुझे पता है 1 सेंटीमीटर में मेरे 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इस 1 सेंटीमीटर की जगह मैंने लिखा 10 मिलीमीटर, गुणा इसकी जगह भी मैंने लिखा 10 मिलीमीटर, और फिर इसकी जगह भी मैंने लिखा 10 मिलीमीटर। तो देखिए 10 गुणा 10 गुणा 10 हो गया मेरा 1000, और मिलीमीटर गुणा मिलीमीटर गुणा मिलीमीटर मेरा आ जाएगा मिलीमीटर क्यूब, तो यह हो गया है मेरा 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीमीटर क्यूब। तो देखिए यहां भी हमने लेंथ की ही यूनिट को यूज किया है, मिलीमीटर सेंटीमीटर किलोमीटर इन्हीं को हमने यूज किया है यहां भी। तो आप इस तरीके से अगर भूल जाए तो निकाल भी सकते हैं, बाकी पहली वाली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यह तो हो गया हमारी वॉल्यूम की यूनिट्स का कन्वर्जन आपस में, कारिता या फिर कैपेसिटी की यूनिट्स को हमने देखा था, उन्हें हम लेंथ की यूनिट्स की सहायता से याद रख सकते हैं मीटर और लीटर की सहायता से। तो इसमें यह इंपॉर्टेंट होता है 1 लीटर बराबर 1000 मिली लीटर। अब हम देखते हैं कि इन्हें आपस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में। तो वह देखिए एक दूसरे में आपको जो देखिए पहली वाली प्रॉपर्टी है यह तो दी गई है धारिता की यूनिट्स की, दोनों में क्योंकि लीटर ही है, यहाँ पे लीटर है यहाँ पे मिली लीटर है, तो दोनों ही धारिता या फिर कैपेसिटी की यूनिट्स है। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिली लीटर यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर जो प्रॉपर्टी सेकेंड है और थर्ड है और फोर्थ है, तीन प्रॉपर्टीज यह है कैपेसिटी और आयतन की यूनिट्स का आपस में कन्वर्जन, तो ये आपको याद रखनी होंगी। इसमें 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो यह आपको याद रखनी होगी, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यह आपको याद होनी चाहिए। ये तीनों ही सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ तीनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली वाली यूनिट को आप
मीटर के द्वारा याद रख सकते हो या फिर लेंथ की यूनिट्स के कन्वर्जन के द्वारा याद रख सकते हो। चलिए, समझ में आया? सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से कमेंट में बताएंगे क्लियर है तो फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं। यस, देवेंद्र कुमार की आईडी से जो बच्चा है, आपने हैंड रेज किया है, आपका कोई डाउट है क्या? सर दोबारा समझा दो जी। क्या समझ में नहीं आया आपको? ये कैपेसिटी की यूनिट्स, कैपेसिटी की यूनिट समझ में नहीं आई क्या? हाँ ठीक है, आप अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए। देखिए, कैपेसिटी की यूनिट्स क्या होती हैं? लीटर, मिलीलीटर, इस तरह की कैपेसिटी की हमारी यूनिट्स होती हैं। तो कैपेसिटी की यूनिट्स को कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए यह पहला वाला है। पहली वाली जो हमारी यूनिट है, यह हमारी कैपेसिटी की यूनिट्स का ही कन्वर्जन है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। फिर दूसरी, तीसरी और जो फोर्थ यूनिट है हमारी, वह आपस में कन्वर्जन है कैपेसिटी की यूनिट का और आयतन की यूनिट का। जैसे कि अगर आप देखोगे, यहाँ मिलीलीटर है, ML, यह हमारी कैपेसिटी की यूनिट है, जबकि सेंटीमीटर क्यूब यह हमारी आयतन की यूनिट है। तो इन्हें बस आपको याद रखना है। कई बार आपसे डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी 50 लीटर दूध है या फिर 50 लीटर मिल्क है, तो मुझे बताइए कि उस मिल्क मेरे पास कितना आयतन है मिल्क का, या फिर अगर मैं उसे एक डिब्बे में भरूं तो कितना आयतन होगा, या फिर 50 लीटर को सिंपली आप सेंटीमीटर क्यूब में बदलिए। तो उसे मैं सेंटीमीटर क्यूब में कैसे बदलूंगा? 1 लीटर में होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 50 लीटर में कितने होंगे? मैं 50 से सिंपली 1000 को गुणा कर दूंगा, तो वह मेरा आ जाएगा 50,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? समझ में आया? जिस भी बच्चे को डाउट था, समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड, समझ में आया। तो चलिए, अब हम एक जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 50 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, अभी आप आंसर कर सकते पोल हो। अगर एक्टिवेट कर दो जी। पोल एक्टिवेट कर दिया है मैंने, अभी आप आंसर कर सकते हो। सभी बच्चों को आंसर करना है, ध्यान से आंसर करना है। हमें बताना है 40 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में कैसे बदलेंगे, या फिर 40 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में जब हम बदलेंगे तो कितना आएगा। 30 सेकंड और है आपके पास। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट कन्वर्जन है। 30 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करेंगे। 20 सेकंड, 20 सेकंड और हैं आपके पास। टेन सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूं, अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमसे पूछा है कि 40 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीमीटर क्यूब होंगे। तो हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 मिलीमीटर, सॉरी, 1000 मिलीमीटर क्यूब होते हैं। यह हमने अभी पढ़ा पिछली प्रॉपर्टी में। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 मिलीमीटर क्यूब होते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1। तो सेम यही प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, हमसे पूछा है 40 में कितने होंगे, तो हम इस क्या करेंगे, 40 से इसका गुणा कर देंगे।
तो यह आएगा हमारा 40 गुणा 1000, तो यह आ जाएगा मेरा 40,000 मिलीमीटर क्यूब। अच्छा, आपको जीरोस का ध्यान रखना था सभी बच्चों को, तो काफी बच्चों ने आंसर बी किया होगा, लेकिन देखिए यह 4000 है ना कि 40,000, तो ऑप्शन डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन डी मेरा सही आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिंपली जस्ट आपको कन्वर्ट करना था, तो ऑप्शन डी विल बी माय राइट आंसर। क्लियर है सभी बच्चों को, समझ में आया? जल्दी से बताइए कमेंट करके, जल्दी से कमेंट करके बताइए समझ में आया सभी बच्चों को। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए समझ में आया, तो हम अब नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या फिर घनाभ का आयतन। तो देखिए, अभी तक हमने सारे पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़े थे या फिर सरफेस एरियाज पढ़े थे, उसमें हमने देखा था क्यूबॉइड का वॉल्यूम, सॉरी क्यूबॉइड का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर उसमें हमने देखा था टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, फिर ऐसे ही हमने दोनों प्रकार के सरफेस एरिया क्यूब के लिए भी पढ़े थे, फिर हमने बेलन या फिर सिलेंडर के लिए भी पढ़े थे। ठीक है, तो अभी हम वॉल्यूम पढ़ लिया हमने कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम की यूनिट्स क्या होती हैं, तो अब हम एक एक अलग अलग शेप का वॉल्यूम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड या फिर घनाभ का आयतन। तो देखिए, घनाभ का आयतन डेफिनेशन वही होगी कि जितना मैक्सिमम मटेरियल इस घनाभ में भरा जा सकता है। अच्छा, कई बार घना सॉरी आयतन को और घारिता या फिर कैपेसिटी को हम एक ही डेफिनेशन में बोल देते हैं, मतलब हम आयतन को इस तरह भी बोल देते हैं कि जितना मटेरियल या फिर कोई भी चीज जितनी अधिकतम इस चीज इस डिब्बे में भरी जा सकती है, वह इस डिब्बे का आयतन कहलाएगी। तो इस तरीके से हम घनाभ और कैपेसिटी को आपस में मिक्स भी कर देते हैं। तो देखिए, घनाभ का आयतन क्या होगा, वही जितना कि एक घनाभ में मटेरियल भरा गया है अधिकतम, या फिर जितना अधिकतम मटेरियल हम भर सकते हैं, वही उस घनाभ का क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। तो देखिए, जैसे कि यह हमारा एक घनाभ दिया गया है, इसकी लंबाई दी गई है L, चौड़ाई दी गई है B और ऊंचाई दी गई है H। तो हमें अब पता करना है कि घनाभ का आयतन हम निकालेंगे कैसे। तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि लेंथ गुणा ब्रेथ गुणा हाइट, और यह क्या आ जाएगा, LBH। मतलब आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको एक घनाभ या फिर क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, तो आपको बस फॉर्मूला लगाना है घनाभ के आयतन का, लेंथ गुणा ब्रेथ गुणा हाइट, तीनों चीजों को आपको आपस में गुणा कर देना है, वह हमारे घनाभ का आयतन निकल आएगा। तो देखिए, घनाभ का, अच्छा घनाभ का आयतन है क्योंकि, और आयतन की अभी हमने यूनिट्स पढ़ी कि घन मात्रक होता है, मतलब यूनिट्स की पावर हमेशा 3 होती है, जैसे अभी देखा था हमने मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो इस तरीके से घनाभ या फिर क्यूबॉइड की यूनिट्स हो सॉरी वॉल्यूम या फिर आयतन की यूनिट्स होती हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हम आयतन ही निकाल रहे हैं घनाभ का, तो हमारी यूनिट्स भी किस में आएंगी, घन मात्रक में आएंगी या फिर क्यूबिक यूनिट्स होंगी। क्लियर है सभी बच्चों को, समझ में आया कि घनाभ का हम आयतन कैसे निकालेंगे? सिंपल ही आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, जो तीनों विमाएं या फिर डायमेंशंस होती हैं एक क्यूबॉइड की, उन्हें आपस में गुणा कर देना है। यस, LBH। तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तीनों को आपस में गुणा कर देना है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यह समझ में आया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं, इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और सभी बच्चों को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 29। हमसे पूछा गया है कि एक घनाभ का टंकी है या फिर एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है, जिसके हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट दी गई है, फिर हमें बताना है कि उसमें कितने लीटर पानी आ सकता है।
उसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आ रहा है। 1 मिनट और है आपके पास, 1 मिनट। ध्यान से सॉल्व करना, कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। क्वेश्चन आसान है लेकिन कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, इसलिए ध्यान से सॉल्व करना है। वी हैव टू फाइंड कि कितना लीटर पानी आ सकता है इस वॉटर वॉटर टैंक जो है हमारा, उसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। थर्टी सेकेंड, 30 सेकेंड और है आपके पास, जल्दी से सॉल्व कीजिए। ट्वेंटी सेकेंड, टेन सेकेंड, फाइव फोर थ्री टू वन, टाइम्स अप। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमें एक घनाभकार टंकी दी गई है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें दी गई है। तो मैं यहां लिख लेता हूं, लेंथ है 6 मीटर, ब्रेड्थ या फिर चौड़ाई है 5 मीटर, और हाइट हमें दी गई है 4.5 मीटर। तो हमें बताना है कि इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। तो सिंपली हमसे आयतन पूछा है, क्योंकि हमने पूछा है कि इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, तो मतलब अधिकतम पानी कितना आ सकता है, वह उसकी घारिता या फिर आयतन होता है। तो हमें आयतन निकालना है। तो चलिए हम आयतन निकालते हैं, क्योंकि घनाभ है, हमें दिया गया है कि टंकी घनाभकार है या फिर क्यूबॉइडल है। तो घनाभ का जो आयतन होता है वह होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि लेंथ गुणा ब्रेथ गुणा हाइट। तो चलिए अब हम इसमें मान रखते हैं, लेंथ है 6 मीटर, ब्रेथ या फिर चौड़ाई है 5 मीटर, और हाइट दी गई है 4.5 मीटर। तो देखिए हमारा क्या आएगा। अच्छा, मैं इसे पूरा लिख देता हूँ, 6 मीटर गुणा 4, इसे इस तरह से लिख देता हूँ, लेंथ है 6 मीटर गुणा ब्रेड्थ है 5 मीटर, यस, एल गुणा बी गुणा एच, हाइट कितनी है 4.5 मीटर। तो देखिए 6 × 5 30, तो 30, और मीटर गुणा मीटर हो गया मेरा मीटर स्क्वायर गुणा 4.5 मीटर। तो जब आप इसे करोगे तो यह आपका आएगा 135, 135 मीटर क्यूब, और यह आएगा, यस, 31, 35 ही आएगा, यह आपका आएगा 135 मीटर क्यूब। तो यह हो जाएगा आपका 135 मीटर क्यूब। अच्छा, मीटर क्यूब कैसे हुआ, मीटर स्क्वायर यह आ गया और मीटर यह आ गया, तो यह हो गया मीटर क्यूब। वैसे भी हम यहां से देख सकते हैं कि जो घन का आयतन, सॉरी, घनाभ का जो आयतन होता है उसकी यूनिट्स हमारी मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब, घन मात्रक में ही होती हैं हमेशा आयतन की यूनिट्स। तो यह हमारा आ गया है 135 मीटर क्यूब। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो देखिए हमारा आया है मीटर क्यूब में आंसर, लेकिन यहाँ सभी जगह लीटर दिया हुआ है, मीटर क्यूब कहीं नहीं है। तो हम जानते हैं, वैसे तो हमें लिख के भी दिया गया है 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, अगर ये लिखा हुआ भी नहीं होता तो हमें याद होना चाहिए था कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो देखिए हमें कितने में निकालने हैं, 135 मीटर क्यूब में। तो 135 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होंगे, 135 × 1000, तो यह आ जाएगा मेरा 135,000 लीटर्स, यह आ जाएगा 135,000 लीटर्स, मतलब ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा। तो बस आपको इसमें जीरोस का ध्यान रखना था।
इसमें जीरोस का ध्यान रखना था, जीरो होने की गलती कई बार हो जाती है, तो ऑप्शन सी इसका आपका सही आंसर होगा। चलिए, यह समझ में आया? यस, ऑप्शन सी, यह समझ में आया। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा घन का आयतन या फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन में हमने देखा था उसका होता है लेंथ गुणा ब्रेथ गुणा हाइट, या फिर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो अब घन का आयतन क्या होगा, तो और घन का आयतन के फॉर्मूला क्या होता है उसे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है डेफिनेशन की। तो देखिए, डेफिनेशन सेम वही होगी जो घनाभ के आयतन में थी। इनफैक्ट हर किसी आकृति के आयतन की डेफिनेशन सेप होगी कि जितना कि उसमें अधिकतम मटेरियल भरा हुआ है, या जितना अधिकतम मटेरियल अगर खोखला है तो भरा जा सकता है, वह उसका आयतन कहलाएगा। तो देखिए, यह घन है हमारा जो दिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि जितना भी अधिकतम मटेरियल इसमें भरा गया है या फिर भरा जा सकता है, वह हमारे घन का आयतन कहलाएगा। तो देखिए, जितना इसमें ग्रीन कलर का मटेरियल है, यह पूरा इसमें भरा गया है, यह हमारा इसका आयतन है। साथ ही में हमको इसकी साइड या फिर एजेस दी गई हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है घन की, क्योंकि घन की यह प्रॉपर्टी होती है कि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर ही होती है। तो देखिए, हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर दी गई है, जो कि ए ए ए दी गई है। लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, और ऊंचाई भी ए है। तो देखिए, हमने घनाभ के आयतन जब निकाला था तो उसमें हमने सीखा था कि घनाभ का जो आयतन होता है वह लेंथ गुणा ब्रेथ गुणा हाइट होती है। तो देखिए, यहाँ पे क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर हैं और ए के बराबर हैं, तो लंबाई की जगह भी मैं ए लिखूंगा, चौड़ाई की जगह भी मैं ए लिखूंगा, और ऊंचाई की जगह भी मैं ए ही लिखूंगा। तो मेरा घन का आयतन क्या हो जाएगा, ए गुणा ए गुणा ए, और इसे मैं ए क्यूब भी लिख सकता हूँ। तो मेरा घन का आयतन हो जाएगा ए क्यूब, जो कि आपको यहाँ पे दिखाया भी गया है। और हमेशा, क्योंकि यह भी एक आयतन ही है, घन का आयतन ही निकाल रहे हैं, और आयतन का मात्रक हमेशा घन में होता है, तो यह हो जाएगा मेरा घन मात्रक या फिर क्यूबिक यूनिट्स में, लाइक मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब। तो आप सभी को घन के आयतन का फॉर्मूला भी याद रखना है, अगर याद नहीं भी रहता है तो यह तो बहुत ही सिंपल सा है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और क्योंकि सभी हमारी यहाँ पे ए के बराबर है, इसलिए ए गुणा ए गुणा ए, और फाइनली यह आ जाएगा ए क्यूब। बहुत ही आसान है घन का आयतन भी। तो चलिए, अगर आपको यह समझ में आया तो इस पे अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको 1 मिनट वेट करना है, अभी पोल सेक्शन एक्टिव हो जाएगा, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को। यस, अभी पोल सेक्शन एक्टिव हो गया है, आप आंसर कर सकते हैं, ध्यान से आंसर करना है। काफी बच्चे इसमें गलती करेंगे, क्वेश्चन बहुत आसान सा है लेकिन बच्चे जल्दबाजी में गलती करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। काफी बच्चे जल्दबाजी में गलती करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं 30 सेकेंड है आपके पास, ध्यान से सॉल्व कीजिए, कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है आपको। ट्वेंटी सेकेंड सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टेन सेकेंड अच्छा, कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं करेगा, जल्दी से आंसर करेंगे अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो। 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। तो चलिए, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक घन है या फिर एक क्यूब है जिसकी साइड है 3 सेंटीमीटर, और हमें उसका आयतन ज्ञात करना है। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा आयतन होता है ए गुणा ए गुणा ए, या फिर भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। भुजा को ही हमने ए लिखा था, इसलिए मैं लिख रहा हूं ए गुणा ए गुणा ए। तो देखिए क्या होगा,
अच्छा गलत कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत हो गया तो आपको लेकिन आगे से ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन, कई बार क्या होता है बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है तो हम उसे बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं और जल्दबाजी में वो गलत हो जाता है हमारा, तो इसलिए आपको क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से सॉल्व करना है। तो चलिए हमें देखिए यहाँ भुजा ए बराबर क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, तो इसे सॉल्व करते हैं, 3 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर, तो यह हो जाएगा हमारा 3 × 3 9, और 9 × 3 आएगा मेरा 27 सेंटीमीटर क्यूब। अब काफी बच्चों ने ऑप्शन सी आंसर किया है, ऐसा नहीं है कि उन बच्चों को आता नहीं है, उन बच्चों को आता है क्वेश्चन, लेकिन या तो उन्होंने क्या किया होगा इस 3 3 3 × 3 × 3 को क्या किया होगा, 3 + 3 + 3 कर दिया होगा जल्दबाजी में और 9 लिख दिया है, या फिर उन बच्चों ने क्या होगा 3 × 3 ही किया होगा। यस, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, ना कि ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। यह इतना इजी क्वेश्चन डालने का मकसद यही था कि क्वेश्चन आसान ही आएगा, लेकिन आपको जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन कितना भी आसान लगे उसे ध्यान से ही सॉल्व करना है। तो इसका हमारा ऑप्शन हो गया है ऑप्शन डी। चलिए यह समझ में आया तो अब हम आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं हमारा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, यस उसका ऑप्शन था ऑप्शन डी, या फिर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो देखिए हमने घनाभ का आयतन पढ़ लिया, लेंथ गुणा ब्रेथ गुणा हाइट, फिर हमने घन या फिर क्यूब का वॉल्यूम पढ़ लिया, वो था हमारा ए गुणा ए गुणा ए। अब हम पढ़ते हैं हमारी लास्ट शेप, सिलेंडर का आयतन या फिर बेलन का आयतन। तो देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम या फिर बेलन का आयतन, डेफिनेशन वही रहेगी कि अगर कोई सॉलिड बेलन है या फिर सॉलिड सिलेंडर है तो उसमें जितना मटेरियल भरा गया है अधिकतम वह उसका आयतन कहलाएगा, या फिर अगर कोई होलो है, या फिर अगर कोई होलो है या फिर खोखला बेलन है तो उसमें जितना अधिकतम मटेरियल भरा जा सकता है वह हमारे बेलन का आयतन कहलाएगा। अभी उस पे आते हैं, निकिता शर्मा की आईडी से जो बच्चा है, अगली क्लास होगी या नहीं होगी उस पे अभी आते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, वो सभी हम बाद में बात करेंगे। तो देखिए यह तो हो गए बेलन के आयतन की डेफिनेशन, फिर होता है कि बेलन के आयतन का आखिर फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, जो यह बेलन का आधार है, और आप सभी को पता है कि बेलन का जो आधार होता है या फिर जो सिलेंडर का बेस होता है वह वृत्ताकार होता है, वह वृत्ताकार होता है या फिर सर्कुलर होता है। तो देखिए इस सर्कुलर या फिर वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल गुणा इसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई तो है h, और हमने पढ़ा है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, वह होता है π r²। तो इसका मतलब आधार का क्षेत्रफल तो हो गया, देखिए यहां भी लिखा है π r² क्योंकि यह सर्कल है, और गुणा में h, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेलन का, फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा π r² h, जो कि यहां भी लिखा गया है। और पाई का मान आप सभी को पता ही है, पाई का मान होता है या तो 22/7 और या फिर 3.14। तो आपके बेलन का आयतन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए π r² h। तो देखिए आपके तीन फॉर्मूले हो गए आयतन में, कौन कौन से, घनाभ या फिर क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला हो गया वह हो गया लेंथ गुणा ब्रेथ गुणा हाइट, क्यूब के आयतन का जो फॉर्मूला हो गया वह हो गया आपका ए गुणा ए गुणा ए, और आपके बेलन या फिर सिलेंडर का जो आयतन का फॉर्मूला हो गया है वह हो गया है आपका π r² h। तो यह तीनों फॉर्मूले आपके आयतन के हो गए, यह आपको तीनों ही याद होने चाहिए, और क्योंकि देखिए यह भी आयतन ही है, बेलन का आयतन ही तो निकाल रहे हैं, तो इसलिए इसकी भी जो यूनिट्स होंगी वह भी घन मात्रक में ही होंगी या फिर क्यूबिक यूनिट्स ही होंगी। क्लियर है सभी बच्चों को, जल्दी से कमेंट में बताएंगे सभी बच्चे, क्लियर है जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। देखिए इसमें समझने का कुछ भी नहीं है, समझने का बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड ही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलिए क्लियर है, तो जल्दी से हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 सभी बच्चों को सॉल्व करना है। अच्छा एक बार तनुज बालसामंदिया की आईडी से जो बच्चा है,
एक बार समझा दो। देखिए उसमें समझने का कुछ भी नहीं था, ठीक है। एक बार ये आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जो भी बच्चे हैं वो क्वेश्चन को सॉल्व करें, मैं आपको 1 मिनट समझाता हूँ। देखिए उसमें समझने का कुछ भी नहीं था, बस आपको फॉर्मूला याद करना होता है। फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, आपको 10 सेकंड वेट करना है। इतने जो भी बच्चे हैं वो सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपको क्या दिया गया है, आपको बेलन का आयतन निकालना है। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होगा यह आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम बेलन की डेफिनेशन पे चलते हैं, सॉरी बेलन के आयतन की डेफिनेशन पे चलते हैं। तो आयतन या फिर वॉल्यूम की डेफिनेशन तो वही होगी कि इस बेलन या फिर इस सिलेंडर में जितना भी मैक्सिमम मटेरियल भरा जा सकता है, या फिर अगर यह सॉलिड है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जितना भी इसमें मैक्सिमम मटेरियल भरा हुआ है वह इस बेलन का आयतन कहलाएगा या फिर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कहलाएगा। फिर हम देखते हैं कि इसका आयतन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है इसके आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब अगर आपने बेलन वाली क्लास अटेंड की होगी तो आपको यह पता होगा कि बेलन के जो आधार होते हैं ऊपर और नीचे के, वो दोनों ही वृत्ताकार होते हैं या फिर सर्कुलर होते हैं। और देखिए सर्कल का क्षेत्रफल हमने पढ़ा है क्योंकि इसके बेलन का आधार जो है वह वृत्ताकार है। तो हमें इस आधार के क्षेत्रफल की जगह मैं यह भी तो लिख सकता हूं वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि इसका आधार वृत्ताकार है। तो देखिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, आधार के क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई को वृत्त का क्षेत्रफल या फिर एरिया ऑफ सर्कल गुणा ऊंचाई। तो देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां मैंने लिखा पाई आर स्क्वायर गुणा ऊंचाई की जगह लिखा एच, तो यह हो गया मेरा पाई आर स्क्वायर एच। तो बस यह पाई आर स्क्वायर एच ही मेरा फाइनल फॉर्मूला होगा, जहां पे पाई क्या है, पाई है मेरा देखिए 22/7 या फिर 3.14। आर क्या है, आर है मेरी त्रिज्या या फिर रेडियस। और एच क्या है मेरी, एच है मेरी देखिए हाइट या फिर ऊंचाई। तो यह तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। फिर इसका यूनिट्स की बात आती है, तो देखिए क्योंकि हम आयतन है, यह आयतन ही तो निकाल रहे हैं हम, तो आयतन की यूनिट्स हमेशा क्यूबिक यूनिट्स होती हैं। तो इसकी यूनिट्स भी ऐसे ही आएंगी, मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब इत्यादि। तो बस आपको फॉर्मूला लास्ट में याद होना चाहिए, सिलेंडर का आयतन या फिर बेलन का आयतन क्या होता है वह फाइनल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। समझ में आया, जिस भी बच्चे को डाउट था कमेंट करके बताएंगे एक बार समझ में आया। समझ में आया तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जल्दी से सॉल्व करेंगे, 1 मिनट और वेट कर रहा हूं मैं, 1 मिनट, 1 मिनट और वेट कर रहा हूं। अच्छा देखिए जो रवि शर्मा की आईडी से जो बच्चा है, रईस, रईस की आईडी से जो बच्चा है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कमेंट में, इतने वाई लिख के आप एक वाई भी लिखोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। इससे अच्छा है कि आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है उसे रिवाइज कर लीजिए, अगर आपका क्वेश्चन हो गया है तो इतनी बार वाई लिखने का और वो लिखने का कमेंट करने में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे इसका, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, 30 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं, 30 सेकंड। थर्टी सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। ट्वेंटी सेकेंड, बीस सेकेंड और वेट कर रहा हूं।
10 सेकेंड। टेन सेकेंड, जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमसे पूछा गया है बेलन का आयतन ज्ञात करना है, या फिर वी हैव टू डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ गिवन सिलेंडर। हमें एक सिलेंडर दिया गया है जिसका हमें आयतन ज्ञात करना है। तो अगर आप इस सिलेंडर को ध्यान से देखोगे तो जब हम, अच्छा कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं करेगा, आपने पोल में आंसर कर दिया है, वेरी गुड। तो देखिए, जब भी हमने सिलेंडर की शेप को पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो यह दूरी होती है यह कहलाती है सिलेंडर की त्रिज्या, या फिर रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो देखिए, हमें यहाँ पे रेडियस दी गई है 5 सेंटीमीटर, या फिर त्रिज्या दी गई है हमें 5 सेंटीमीटर। और जो दोनों आधार या फिर दोनों बेसिस के बीच की दूरी होती है वह कहलाती है हमारे बेलन की ऊंचाई, या फिर हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो देखिए, हमें यहाँ पे दोनों बेसों के बीच की दूरी दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब मेरी हाइट क्या हो गई है, मेरी हाइट ऑफ द सिलेंडर हो गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है, और उसका सूत्र हमने अभी पढ़ा है। क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो चलिए, अब हम इन दोनों मानों को ही इस सूत्र में रखेंगे। तो देखिए, पाई क्या होता है? पाई होता है मेरा 22/7, या फिर 3.14। यह तनुज बालसमंदिया की आईडी से जो बच्चा है, आपका कोई डाउट है क्या? आपने हैंड रेज किया है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो देखिए, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान क्या होता है? 22/7 या 3.14, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया गया है कि आपको 3.14 लेना है, तो चलिए हम 3.14 लिखेंगे। 3.14 गुणा आर स्क्वायर, या फिर रेडियस का स्क्वायर। रेडियस हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो चलिए हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर गुणा एच, या फिर हाइट। हाइट हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो इसे हमने लिखा 4 सेंटीमीटर। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, 3.14 × 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर आपका होगा 5 × 5, यह होगा आपका 25। तो मैंने लिखा 25 × 4। चलिए, इसे मैं नीचे वाले को इरेज कर रहा हूं। यस, 25, 5 का स्क्वायर इज 25। तो 3.14 × 25 × 4, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, 25 × 4 कितने होते हैं? जल्दी से बताएंगे सब, 25 × 4 25 होता है। यस, वेरी गुड, 100, वेरी गुड, 100, 25 × 4 इज 100। अच्छा, अभी आपको बताना है 3.14 × 100। सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में 3.14 × 100 यह कितना होगा? 3.14 × 100 यह कितना होगा? सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, 10 सेकंड में सभी बच्चों को बताना है। अच्छा, अगर आपको नहीं भी आता तो आप एन लिख सकते हो कमेंट में। अगर आपको नहीं आता कि सर इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए आप एन लिख सकते हो, मैं बता दूंगा सर इसे कैसे करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को नहीं आता है तो आप लिख सकते हो एन। अच्छा, किसी बच्चे ने कमेंट किया है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप अपने आप को अनम्यूट करके बताइए। सर इसके अंदर आधार ना तो कैसे निकलेगा ये? आधार नहीं हो, आधार तो होता ही है। देखिए, सिलेंडर में आधार होता ही है। सिलेंडर की हमेशा हमें रेडियस दी गई होगी और हाइट दी गई होगी, आधार हो या नहीं हो। अगर ऊपर और नीचे से सिलेंडर बंद है तो देखिए हमें आधार नहीं दिया होगा, लेकिन सर्कुलर चीज तो होती ही है, हमें रेडियस तो हमेशा होगी ही सिलेंडर की। तो अगर हमें आधार, हम कह सकते हैं अगर सिलेंडर हमारा खाली भी है या फिर खोखला भी है, तो रेडियस और ऊंचाई तो हमारी जब भी होंगी, हमेशा होती है हमारी रेडियस और ऊंचाई। तो
तो आधार हो या नहीं हो, सिलेंडर हमारा खोखला है या भारी पूरा भरा हुआ है, ठोस है, तब भी हम आराम से आयतन निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले के द्वारा। अच्छा कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि अगर इसमें 22/7 रखें, बिल्कुल आप 22/7 रख सकते हो, 22/7 आप बिल्कुल इसमें रख सकते हो, लेकिन देखिए आपको दिया ही गया है 3.14 लेना है आपको। अगर आप 22/7 रखना चाहो तो मान लीजिए यहाँ 3.14 की जगह मैं 22/7 लिखता हूँ गुणा 100, तो फिर आपको सबसे पहले 100 गुणा 22 करना पड़ेगा जो कि 2200 आएगा, फिर डिवाइड बाई 7 करना पड़ेगा, इसमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर आपका आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको सॉरी यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपको 3.14 ही लेना है। क्वेश्चन में अगर इस तरीके से दिया गया है तो आपको वही लेना है, फिर आपको अपने मन से नहीं लेना है। तो देखिए सभी बच्चों ने बताया वेरी गुड, 3.14 × 100 जो होता है वह आपका हो जाएगा 314। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे कमेंट करके कि समझ में आया, सभी बच्चों को क्लियर है, सभी बच्चे बताएंगे कमेंट करके। वेरी गुड, अगर आपका कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। यस, ऑप्शन सी विल बी आर करेक्ट आंसर। चलिए तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। अच्छा देखिए, अब आप लोगों के लिए एक टेबल है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको ध्यान से समझनी है। क्या होता है ना, यह जो पूरा चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन या फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो अभी तक हमने 9th ग्रेड से नीचे के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, मतलब कि जो भी कॉन्सेप्ट हमारे 8th ग्रेड तक थे वो सभी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए। लेकिन इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं या फिर बच्चों को काफी कंफ्यूजन हो जाता है कि सर कौन सा फॉर्मूला किस चीज का था, तो आपको सभी फॉर्मूले एक ही जगह, होमवर्क का लिंक मैं भेज रहा हूँ, होमवर्क का लिंक अभी इसके बाद भेजता हूँ, यह टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से मैं इस टेबल को समझा देता हूँ। अगर आपको यह टेबल याद है, इस टेबल में जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं वह याद है, तो आप आसानी से इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हो और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए मैं जल्दी से इस टेबल का बता देता हूँ आपको, यहाँ पे सारी शेप से लिखी हुई दी गई है, आपकी जो भी शेप होती है, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर तो हमने पढ़ ली, फिर आपने 9th ग्रेड में आपको स्कूल में पढ़ाई गई होंगी कौन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, जिन्हें शंकु, गोला, अर्धगोला कहते हैं। फिर यहाँ पे आपको देखिए शेप दिखाई भी गई है कैसी कैसी होती है, क्यूब दिखाया गया है, क्यूबॉइड दिखाया गया है, गोला, शंकु, सभी तरह की आपको शेप्स दिखाई गई हैं। फिर देखिए आपकी तीन चीजें हमने मेजरली पढ़ी, सबसे पहला पढ़ा था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, दूसरा हमने पढ़ा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, और फिर तीसरा हमने अभी पढ़ा वॉल्यूम जिसे कि हम आयतन कहते हैं। तो इन तीनों ही चीजों के फॉर्मूले होते हैं और यह तीनों ही चीज आपको अलग अलग शेप के लिए निकालनी आनी चाहिए। तो देखिए यही आपको करके आसानी से दिया गया है। वक्र, अगर मुझे घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो मैं घन में चलूंगा और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में चलूंगा, तो मेरा 4a² जो होता है वह घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मुझे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो मैं बेलन की लाइन में चलूंगा और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की लाइन में चलूंगा, तो मेरा जो यह थर्ड वाला नंबर होगा यह मेरा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। सेम इसी तरीके से अगर मुझे गोले का आयतन निकालना है तो मैं गोले की लाइन में चलूंगा और आयतन की लाइन में चलूंगा, तो यह जो मेरा होगा यह मेरा गोले का आयतन कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको यह पूरी टेबल याद होनी चाहिए, सभी फॉर्मूले, सारे जितने भी इसमें फॉर्मूले लिखे गए हैं आपको बिल्कुल मुंह जबानी याद होने चाहिए। अच्छा अभी काफी बच्चों का डाउट हो सकता है कि सर ये आर एच जो इसमें लिखे गए हैं यह सभी क्या है, तो देखिए यह सभी स्टैंडर्ड है जो भी हम जनरली यूज करते हैं, ये सभी वही है। तो मैं एक बार जल्दी से बता देता हूं, देखिए जो घन के केस में ए दिया गया है तो घन के केस में या फिर क्यूब के केस में हम ए किसके लिए यूज करते हैं, इसकी एज के लिए या किनारा कह लीजिए या फिर साइड कह लीजिए
या भुजा भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे ए है साइड ऑफ द क्यूब। फिर देखिए घन घनाभ के केस में क्या है, एल है, बी है और एच है। तो यह घनाभ या फिर क्यूबॉइड में हमने पढ़ा भी था, एल होती है लंबाई या फिर लेंथ, बी होती है चौड़ाई या फिर ब्रेड्थ, और एच होती है ऊंचाई या फिर हाइट। फिर हम बेलन के केस में देखें तो देखिए बेलन के केस में मेनली दो चीजें हैं, आर और एच। तो आर होती है रेडियस यानी कि त्रिज्या ऑफ द बेलन, और एच होती है आपकी बेलन की ऊंचाई या फिर हाइट ऑफ द सिलेंडर। फिर हम शंकु में आते हैं तो देखिए शंकु में तीन चीजें होती हैं, आपने स्कूल में पढ़ा भी होगा ये, आर होती है, एल होती है और एक होती है आपकी एच। आर होता है, एल होता है और एच होता है। आर होती है आपकी रेडियस ऑफ द कोन, एच होती है आपकी हाइट ऑफ द कोन, एंड एल होती है आपकी स्लांट हाइट ऑफ द कोन, जिसे हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। फिर बात आती है देखिए गोले की या फिर स्फेयर की। तो स्फेयर में मेनली एक ही चीज होती है आर, जो कि होती है रेडियस ऑफ द स्फेयर या फिर गोले की त्रिज्या। और अर्धगोले में भी एक ही चीज आती है आर, जिसे हम कहते हैं अर्धगोले की त्रिज्या या फिर रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर। तो आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप सभी को यह याद होने चाहिए सभी फॉर्मूले, ठीक है। अच्छा हमारा यह चैप्टर यहीं पे खत्म होता है अभी, लेकिन कोई भी बच्चा छोड़ के नहीं जाएगा, अभी होमवर्क बाकी है, अभी होमवर्क बाकी है। तो अभी आपको 1 मिनट वेट करना है, आपको होमवर्क दिया जाएगा। सभी बच्चे 1 मिनट वेट करेंगे, आपको होमवर्क दिया जाएगा।